स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज आर्मरी। और मैं आपका अभिषेक सर आपको आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक और क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे एसएससी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का एक पीडीएफ, जो क्वेश्चंस का एक सेट है जो आपके लिए हम लेके आते हैं। मैं पिछली क्लास में भी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया था। अब आज जो हमारी क्लास है वो एक हिंदी की क्लास होगी, हिंदी में क्वेश्चंस आपके सेट किए गए हैं। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए बाइलिंगुअल में उसको कर सकूं, ठीक है ना। तो पिछले क्लास में जो आपने पढ़ा है, पिछले क्लास के जो क्वेश्चन आपने देखे थे वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, और सभी बच्चों ने बताया कि बहुत अच्छे उनकी तैयारी हुई है उनसे। हम आज फिर अपनी क्लास को लेकर चलते हैं, और यही 5 से 10 मिनट के अंदर हम जो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 क्वेश्चन जो है हम तैयार कर सकते हैं, और तैयार करके उन्हें याद भी यही करके चलेंगे हम, ठीक है ना बच्चा। चले फिर हम चलते हैं आज अपनी क्लास पे। क्लास 2 हमारी है, ठीक है ना। फिर से हम जीएस के क्वेश्चन को लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है। दरअसल रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है, तो आप एक बात आइए, फ्रीजर में जमा हुआ हुई बर्फ द्वारा नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। फ्रीजर में जमी हुई बर्फ द्वारा बिल्कुल नहीं हो सकता। संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा, इसको भी समझते हैं। वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा नहीं, वाष्पशील जो द्रव है उसके वाष्पन द्वारा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होगा। यह आप समझते हैं, इनमें से कोई नहीं। यह आपका आंसर होगा संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा। ये प्रसार होगा मेरे हिसाब से सहसा प्रसार द्वारा, सहसा प्रसार द्वारा। संपीड़ित जो गैस होती है वो जब प्रसार करती है, वो चलती है, तो उसमें जो आपके रेफ्रिजरेटर में जो गैसेज होती है वो गैसेज क्या करती है, वो प्रसार करती हैं, चलती हैं, और फिर क्या करती हैं, हमारे बर्फ को शीत, हमारे पानी को ठंडा करते हैं, बर्फ जमा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं हम। किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो जब भी हम कोहरे के दौरान रहते हैं तो जो प्रकाश होता है वो प्रकीर्णित हो जाता है, और प्रकीर्णित होने की वजह से क्या होता है कि हम उसे जो आप सामने से आने वाला जो कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं पाते हैं। वो किसके कारण होता है, वो प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चा, प्रकीर्णन के कारण होता है। क्लियर है, हम आगे चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, साबुन के बुलबुलों में रंगों का बनना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है। साबुन के बुलबुलों में जो रंग बन जाते हैं वो किसके कारण होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो उसके पीछे का रीजन बेटे रहता है कि प्रकाश का व्यतिकरण। क्या रहता है, प्रकाश का व्यतिकरण। अगर हम प्रकाश के प्रक्षेपण की बात करें तो ये नहीं होता है, प्रक्षेपण अलग चीज होती है जो रंग नहीं बनाती है। प्रकाश का विवर्तन जो होता है वो भी अलग होता है, ध्रुवण भी अलग होता है। आंसर इसका क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा, प्रकाश का व्यतिकरण। क्लियर है बच्चा, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंगीन प्रकाश सबसे कम झुकता है। अच्छा, मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूं कि जैसे ही कोई प्रिज्म, ये टाइप का प्रिज्म कोई होता है, ये प्रिज्म आपके पास, ठीक है ना। इस प्रिज्म में यहां से हम जैसे ही कोई व्हाइट लाइट इसके अंदर ऐसे डालते हैं तो प्रिज्म क्या करता है, वो प्रसार कर देता है। जैसे अभी मैं रेफ्रिजरेटर में बोल रहा था कि वो प्रसार करते हैं, तो प्रिज्म क्या करता है, व्हाइट लाइट का प्रसार कर देता है। प्रसार करने से क्या होता है कि वो जो कलर है, जो लाइट, व्हाइट लाइट जो हमारा कलर था, वो क्या हो जाएगा, वो अलग अलग कलर में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वो एक एक टॉपिक लेके निकल के आता है। सबसे पहले वो 7 रंगों में निकल जाता है, ऐसे इस टाइप से निकलता है, और उसका जो प्रोसेस है वो ये वी आई वी जी वाई ओ आर। क्लियर, विबग्योर किस नाम से होता है, विबग्योर, वी आई बी जी वाई ओ आर। अगर हम इसको फॉलो करें तो ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्लियर, क्या होंगे ये हमारे पास कलर रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 कलर हमारे पास होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और रेड जो आता है वो यहां से सबसे ऊपर आता है, ठीक। और सबसे जो कम झुकने का मतलब क्या हुआ कि जो सबसे कम बैंड हो, जो सबसे कम बैंड हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, आर, मतलब कि रेड हो रहा है। सबसे कम कौन हो रहा है, लाल रंग का जो रंग, आपका कलर है, जो रेज है वो क्या हो रही है, सबसे कम बैंड हो रही है, सबसे कम झुक रही है। तो आंसर आपका क्या होगा, लाल आपका आंसर होगा। क्लियर है बच्चा, आगे चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता। ऑप्टिकल लेंस क्या है? ऑप्टिकल लेंस जो हमें, जैसे हमारा माइक्रोस्कोप होता है, टेलीस्कोप होता है, उसमें हम ऑप्टिकल लेंस लगा के आप चीजों को थोड़ा छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल लेंस का मतलब क्या रहता है कि लेंस का काम होता है कि वो उसको क्या करे, हमें थोड़ा नजदीक वाले को अच्छा दिखा दे, दूर जिसको किसी को कोई निकट दृष्टि दोष होता है या दूर दृष्टि दोष होता है, उसमें हम लेंसों का यूज कराते हैं। तो लेंसों का काम क्या होता है कि वो हमें क्या करे, अच्छा कुछ दिखाने की कोशिश करें। तो उसमें क्या होगा कि पेरिस्कोप, बिल्कुल पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ऑप्टिकल का यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोप, इसमें भी किया जाता है, माइक्रोस्कोप में भी किया जाता है। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में भी आपका ऑप्टिकल का यूज किया जाता है। एक स्टेथोस्कोप है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, लेकिन ये नाम ऐसा है कि इसमें लगता है, ये क्वेश्चन लगेगा आपको कि ये इसका इसमें हो सकता है, लेकिन स्टेथोस्कोप नहीं होता। ठीक है ना बेटे, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन ना होना क्या कहलाता है? दरअसल प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन ना होना, ना होने का मतलब क्या है, आप जब भी देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, आपने मेरे हिसाब से 10वीं क्लास में ये क्वेश्चन देखा होगा, जब हम प्रकाश लाइट पढ़ते हैं, लाइट चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि जब हम किसी भी रेज को इस तरीके से किसी मीडिएटर से गुजारते हैं, तो या तो वो थोड़ा सा इस साइड में बैंड हो जाता है, या फिर थोड़ा सा इस साइड में बैंड हो जाता है, मतलब कि वो झुक जाता है, वो दूसरी तरफ झुक जाता है किसी और दूसरी तरफ, तो क्या होगा, वो अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटे? अपवर्तन के कारण होता है। क्लियर है? आगे चले, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर किया गया कार्य होता है, दरअसल बेटे शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। एक पिंड को अगर मान लिया, एक पिंड है हमारे पास, एक वृत्त है, ठीक है ना, एक वृत्त में एक पिंड मान लिया, हमने एक रस्सी में एक ऐसा पत्थर बांधा और उस पत्थर को हमने ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, वृत्त पे घुमाना शुरू कर दिया, मतलब चारों तरफ हमने उसको ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। जैसे हम उसको घुमाएंगे तो हम एक इनिशियल, एक हमारा सबसे पहली जो पोजिशन रहेगी, वहां से हम उसको घुमाना शुरू करेंगे और वो वापस से कहां पे आ जाएगा, वो वापस से वहीं पे आ जाएगा। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मतलब कि हमारे पास जो विस्थापन है वो कितना हो गया, वो जीरो हो गया। तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, वहीं पे वर्क भी क्या हो जाता है, वर्क का फॉर्मूला होता है कि W is equal to F into S, F into S मतलब कि ये होता है आपका बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन बराबर में किसके, कार्य के, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। और अगर आपका विस्थापन जो है वो शून्य हो गया तो आपका कार्य भी क्या हो गया, शून्य हो गया। तो इसके लिए जब भी आपका विस्थापन जीरो हो जाएगा, आपका कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटे, जीरो। क्लियर है? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, न्यूटन का गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? दरअसल मैं आपको बताता हूं, न्यूटन के तीन नियम है, न्यूटन ने हमें तीन नियम दिए थे। न्यूटन ने हमें फर्स्ट रूल दिया था, फर्स्ट रूल जिसको आप बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और एक होता है सेकंड जिसको बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक होता है थर्ड जिसको बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें बात करते हैं कि और किस नामों से जाने जाता है, और किस नामों से, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करूं तो आप उसको बोलते हैं इनर्शिया, इनर्शिया का मोशन। इनर्शिया, इनर्शिया दरअसल क्या है कि रेस्ट वाली कंडीशन से किसी ऑब्जेक्ट का मोशन में आ जाना, या मोशन से किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट में आ जाना, ये वाली कंडीशन जो होती है वो इनर्शिया में कहलाती है, रेस्ट कंडीशन। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, और अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। अगर उसी कंडीशन में कोई चेंज कर रहा है तो वो कोर कर रहा है, वो फोर्स के द्वारा किया जा सकता है, और जब उसके उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब इस लॉ में, मतलब कि वो रुक जा रहा है, चल दे रहा है, तो उस वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं, उसको इनर्शिया बोलते हैं। और ये किसने दिया था, न्यूटन ने हमें बताया था, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने बताया था। तो इसको क्या कहते हैं, इनर्शिया, मतलब कि इनर्शिया को बोलते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं, जड़त्व। तो जड़त्व का नियम भी है ये, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है गति के प्रथम नियम को एक और नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया, जड़त्व का नियम दिया गया। क्लियर है बच्चा? आगे चलिए, अगर कोई पूछ ले कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन को क्या दिया गया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है मोमेंटम। क्या होता है बेटे, मोमेंटम। और मोमेंटम क्या है, मेरे हिसाब से संवेग बोलते हैं हिंदी में इसको, संवेग। हाँ, तो संवेग का नियम है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, संवेग का नियम है। अगर सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में या द्वितीय नियम के बारे में कोई न्यूटन की पूछता है तो वो कौन सा है, वो संवेग का नियम है। क्लियर है बच्चा? आगे चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहीं से हम बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। जैसे मान लिया अगर इस पहले वाले क्वेश्चन में हमारे से न्यूटन का प्रथम नियम पूछा हुआ है, तो अगर दूसरे पेपर में किसी में द्वितीय नियम पूछ रहे तो वो यहीं पे कवर हो गया कि संवेग का नियम कहते हैं, मतलब कि मोमेंटम लॉ ऑफ मोशन के बोलते हैं उसको। क्लियर है बच्चा? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, एक वस्तु का वजन सबसे कम कहां रखने पर होता है? बिल्कुल पृथ्वी के केंद्र पर रख दीजिए उस ऑब्जेक्ट को, कहां पे होगा, सबसे कम हो जाएगा।
कहां पे रख दीजिए, पृथ्वी के केंद्र पे रख दीजिए, वो क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, ना तो उत्तरी ध्रुव पे होगा, ना दक्षिणी ध्रुव पे होगा, ना भूमध्य रेखा पे होगा। ये तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं अलग अलग जिन पे होता है, तो सबसे कम कहां पे होता है, पृथ्वी के केंद्र पे होता है। चलिए बच्चा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेके चलते हैं। तैराको पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है, घर्षण बल? नहीं, घर्षण बल तो बेटे क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, जो कि किसी भी, अगर आप मान लिया तैर रहे हैं, ऐसे तैर रहे हैं, इस कंडीशन में आप तैर रहे हैं, तो आपके सामने से आने वाला जो पानी है, वो आप, वो जो सामने से आने वाला पानी आपको उसको तोड़ना पड़ रहा है ना, उसको आगे की तरफ चलना पड़ रहा है उसके लिए, और जो पानी है वो आपकी तरफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। कहां पे लगाता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब जिस तरफ आप जा रहे हैं उससे दूसरी तरफ फ्रिक्शन लगता है। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, आपको तैरने के लिए मदद करेगा? नहीं, तैरने के लिए मदद नहीं करेगा। कौन करेगा, चुंबकीय बल करेगा? नहीं, चुंबकीय बल का क्या मतलब है भाई तैरने में, ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपको ऐसे चुंबक लगा के खींच ले जाएगा कि भाई ये तैर रहा है, इसको तैरने में जिसको जल्दी करना है ऐसे, मतलब इसको चुंबक लगा खींच लो। क्या चुंबक में ये भी पावर होती है कि वो किसी आदमी को खींच सकती है? नहीं, वो तो किसी लोहे को खींचती है या फिर चुंबक चुंबक को खींचती है, उसकी अलग प्रॉपर्टीज है, बाद में बात करेंगे। लेकिन क्या है कि चुंबकीय बल क्या है, नहीं नहीं हो सकता, चुंबकीय बल नहीं हो सकता, घर्षण बल नहीं हो सकता। मांसपेशी बल, बेटे मांसपेशी बल तो कोई बल ही नहीं है, वो तो किसी का अलग अलग हो सकता है। अगर मान लिया कोई इतना मोटा आदमी है तो उसमें मांसपेशी बहुत ज्यादा है, कोई मेरे जैसा पतला सा आदमी है उसमें क्या है, मांसपेशी कहेंगे बहुत कमजोर आदमी है यार, तो मैं तैर नहीं सकता। मैं तैर सकता हूं, बिल्कुल तैर सकता हूं। तो कौन सा बल होगा, उत्प्लावक बल। कौन सा होगा बेटे, उत्प्लावक बल। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। दरअसल बेटे ये एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, वर्नर हाइजेनबर्ग। एक हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जब भी बच्चे 10वीं में क्लास में आते हैं, 11वीं क्लास में आते हैं या 12वीं क्लास में, जो पीछे के बच्चे होते हैं उन्हें इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होता है कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया। क्लियर है बच्चा। आइजैक न्यूटन के बारे में आपको सबको पता है, एस एन बोस के बारे में आपको सबको पता है। आप एक काम करना कि आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूं, ये आपके लिए होमवर्क है, आप होमवर्क करके लेके आना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एस एन बोस ने आपको क्या, आपके क्या प्रतिपादित किया था, सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया था, और आर ए मिलिकन ने आपके लिए क्या क्या किया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होती है। बेटे गैस के जो अणु होते हैं, एक तरह से मान के चले कि वायु है, वायु के जो अणु है वो किसके लिए सबसे ज्यादा जो अनुक्रमानुपाती होंगे, वो ताप के होंगे। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे उनके इंक्रीजमेंट होना शुरू हो जाता है, तो क्या होगा, ताप के अनुक्रमण अनुपाती रहती है। दाब के अनुपात नहीं, बिल्कुल आप उसको किसी भी कण को ऐसे दाब देंगे, ऐसे प्रेशराइज कर देंगे तो क्या होगा, नहीं बिल्कुल अनुक्रमानुपाती नहीं होगा उसके। वायुमंडलीय दाब के नहीं, ये भी दाब है, ताप और दाब दोनों नहीं, दाब और दाब दोनों के नहीं, सिर्फ और सिर्फ ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। दरअसल चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल लगा हुआ है, और वो जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो हमारे ऊपर भी यहाँ पे इस कंडीशन में लगा हुआ है, मैं खड़ा हुआ हूं तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही खड़ा हुआ हूं, तो एक अलग से एक फोर्स लगा हुआ है, फोर्स की एक अलग से वो ब्रांच है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें क्या होता है कि ये अलग तरीके से लगता है, और उसमें जो सेंटर की तरफ लगता है, जो फोर्स सेंटर की तरफ लगा हुआ हो, अगर मान लिया एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, वो सेंटर की तरफ उसको अपनी अट्रैक्शन कर रहा हो, तो वो क्या है, वो अभिकेंद्र बल है। अभिकेंद्र बल कौन सा बल है, अभिकेंद्र बल, इसको आप इंग्लिश में सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं बेटे। कौन सा फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊं तो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसके बारे में बहुत वाइड नॉलेज है, जब हम फिजिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे तब उसको देख लेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा बेटे, अभिकेंद्र बल। एक अभिकेंद्र बल जो अंदर की तरफ लगता है वो अभिकेंद्र बल, जो बाहर की तरफ लगता है वो अपकेंद्र बल, जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो कि आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, अभिकेंद्र बल, जो केंद्र की ओर लगा हुआ वही कौन सा, सेंट्रीपेटल फोर्स, वही कौन सा, अभिकेंद्र बल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट का मान समान होता है। दरअसल इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूं, इसका फॉर्मूला होता है C-32 × 5/9, और आप इसे कैलकुलेट करके आराम से -40 degree वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, आंसर क्या है, -40 degree फारेनहाइट। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, इस फॉर्मूले को आप एक्सप्लेन कर लेना, इस फॉर्मूले से आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, आपका -40 degree आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चा, आंसर क्या होगा, -40 degree फारेनहाइट पे। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं। बेटे उसे अभिवहन कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? अभिवहन कहते हैं। दरअसल बहुत सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उसमें बहुत सारे टीचर्स ने बता रखा है कि इसे चालन कहते हैं। नहीं, ये बेटे चालन नहीं होता है, ये संवहन नहीं होता, विकरण नहीं होता, ये क्या होता है? अभिवहन होता है। चले फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही, आज की क्लास में हम 15 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास हम फिर से लेके आएंगे जिसमें एसएससी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम सेट कर सकते हैं आपके लिए यहाँ पे मिलेंगे। नॉलेज आर्मरी को आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक करिए। जय हिंद बच्चे।